से 13 महीने पहले 13,700 करोड़ रुपए का पीएनबी घोटाला कर नीरव मोदी भारत से फरार हो गया था, जिसके बाद से उसका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन भागने के करीब 13 महीने बाद नीरव मोदी लंदन के वेस्टर्न इलाके में देखा गया है, जहां वो कुलिया बदल कर रह रहा है। नीरव मोदी 80 लाख पाउंड यानी लगभग 72 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट में रह रहा है। खबरों के मुताबिक लंदन में वो हर महीने अपार्टमेंट का 17,000 पाउंड यानी करीब 15.5 लाख रुपए का किराया चुका रहा है। इसके साथ ही लंदन में नीरव को नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी जारी किया गया है, जिसके तहत वो यहाँ वैध तरीके से न केवल बिजनेस कर सकता है बल्कि ब्रिटिश बैंक के अकाउंट का इस्तेमाल भी कर सकता है। बता दें कि भारतीय अफसरों ने नीरव के खाते फ्रीज कर दिए हैं। इंटरपोल ने उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, लेकिन इन सब के बावजूद नीरव लंदन में अपना बिजनेस चला रहा है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट में नीरव के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। ईडी चाहता है कि नीरव को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया जाए। ईडी की याचिका पर पीएमएल कोर्ट ने नीरव से जवाब मांगा था। दिसंबर में नीरव के वकील ने भी विशेष अदालत में सुरक्षा की दलील दी थी। उसने कहा था कि नीरव की वापसी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि भारत लौटने पर उसे मॉब लिंचिंग का खतरा है। कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इसका हमारे मामले से कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई खतरा है तो नीरव को पुलिस से सुरक्षा मांगनी चाहिए। बता दें फरवरी 2018 में पीएनबी घोटाले का खुलासा हुआ था, लेकिन नीरव मोदी इससे पहले ही विदेश भाग गया था। नीरव और उसके मामा मेहुल चौकसी ने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स के जरिए बैंकों से रकम लेकर विदेशों में ट्रांसफर की, जिसके बाद सरकार दोनों को वापस भारत लाने में जुटी है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।